Hey guys, welcome back to our channel, The Drive Dude. तो आज हम टाटा पंच आई सी एन जी एडवेंचर मॉडल में एक मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं, जो कि मेन मॉडिफिकेशन है वो है इसके रियर व्यू मिरर्स, जो कि ये फोल्ड नहीं होते ऑटोमेटिकली। हम इसको ऑटोमेटिक कराने जा रहे हैं। टाटा पंच सी एन जी किसी भी मॉडल में आपको फोल्डेबल मिरर्स नहीं मिलते, चाहे आप बेस मॉडल हो चाहे आप टॉप मॉडल हो, ये किसी भी मॉडल में नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मॉडल में आते हैं, क्रिएटिव मॉडल में, वो भी टॉप मॉडल में, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे फोल्ड होंगे। ये आपकी गाड़ी का लॉक बटन है या अनलॉक बटन है। अभी गाड़ी खुली हुई है, अब जब भी आप गाड़ी को लॉक करोगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, एंड जब भी आप अनलॉक करोगे तो ऐसे अनफोल्ड हो जाएंगे। आपने ये फीचर देख लिया, ये फीचर आपका की से भी एक्टिवेट हो जाएगा, एंड सेम टू सेम थिंग आपका इनसाइड से भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेट मी शो। ये आपका स्विच पैनल आता है जो टाटा बना के देती है, लेकिन टाटा जो क्या करती है, ये वाला स्विच जो है ये नहीं देती। जब हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये मिरर फोल्ड हो जाएंगे, एंड सेम थिंग अनफोल्ड करने के लिए दोबारा से इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, अनफोल्ड हो जाएंगे। और ये यहाँ से अंदर से भी सब एडजस्टेबल रहने वाले हैं। इस मॉडिफिकेशन के हमने कोई वायर कट नहीं करी है, ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू, पूरा न्यू चैनल लगा है। और अगर आप सोच रहे हो कि शीशे मैंने पूरे मिरर चेंज कराया, तो नहीं, ये पुराना वाला ही पार्ट है मेरा शीशे का, बस अंदर एक मोटर लगी है, पूरा पैनल ही चेंज होता है ये वाला। इंस्टॉलेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने कार्स के मिरर्स को गाड़ी में से अलग कर लो, एंड उसके बाद मिरर्स में से इंडिकेटर वाला पार्ट एंड जो एडजस्टेबल वाला पार्ट होता है जिसको हम अंदर से एडजस्ट करते हैं वो अलग कर लो, क्योंकि मेरी गाड़ी एडवेंचर मॉडल थी तो इसके अंदर एडजस्टेबल मोटर अलग से ऑलरेडी लग के आई हुई थी। अगर आपकी गाड़ी प्योर है तो आपको पूरा का पूरा मिरर चेंज कराना पड़ेगा। सो ये आपका पार्ट है मिरर का, जो सारा का सारा खुलने के बाद आपका मिरर ऐसा लगेगा। इसमें मोटर नहीं लगी हुई, यू कैन चेक दिस आउट, ये बिना मोटर के पार्ट है। और ये है आपका मोटर वाला पार्ट, इसके अंदर मोटर लग गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे वायर भी अलग से आ गई है। टाटा का जेन्युइन रहने वाला है, कुछ अलग नहीं है, ये अलग से मोटर, तो आप देख सकते हो वायर अलग से निकल गई है और पूरी मोटर आ गई है, एंड यहाँ पे हमारी वायरिंग की फिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। लॉक अनलॉक पे जो फोल्ड होते हैं वो भी होगा, ठीक है। और इसी के अंदर से वायर जाने वाली आपकी सिंगल वायर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वायरिंग स्पेशली इनसाइड से डलवाई है, जो गाड़ी की वायरिंग आती है उसी के अंदर से वायरिंग डलवाई है, क्योंकि बहुत पतली वायर है तो इजीली गाड़ी के डोर में से निकल जाएगी। तो सजेशन ये रहेगा कि आप भी यहाँ से डलवाएं, क्योंकि अगर आप ओपन में डलवाएंगे तो बाय चांस वायर टूटने का डर रहता है, तो ज्यादा बेटर है कि आप अंदर से ही डलवाओ इसकी वायर भी। एंड ये आपका टाटा का जेन्युइन स्विच है जो इस मिरर के साथ लगने वाला है, एंड ये वाला स्विच आपका पुराने वाला स्विच है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है जो अनफोल्ड फोल्ड का है। एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सो जो आप ये रेड पार्ट देख रहे हो ये है क्विक स्प्लाइस स्नैप वायर कटर। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये वायर को नहीं काटता, लेकिन वायर का जो ऊपर वाला कवर होता है उसको हल्का सा छील देता है, और इसके अंदर दूसरी वायर अटैच हो जाती है, जिससे क्या होता है वायर भी नहीं कटती और कोई आपकी वारंटी प्रोवाइड नहीं होती। कंपनी वाले से ये बोलते हैं कि आपकी वायर कटी नहीं होनी चाहिए, तो बाहर मार्केट में ये कपलर यूज होता है जिससे आपकी वायर ना कटे और आपके कनेक्शन भी प्रॉपर वे में हो जाए, यानी वाटरप्रूफ भी होते हैं तो बेस्ट रहते हैं ये वाले। ये रहा आपका विंडो स्विच पैनल, इसके अंदर हम पुराना वाला जो बटन था ORVM का वो हटा के नया वाला बटन लगा देंगे, जिससे कि हमारे फोल्डिंग स्टार्ट हो जाए। एंड इसमें हमने रिले लगाई है जो हमारा की से ही बाहर ऑपरेशनल हो जाए, लॉक अनलॉक पे मिरर अनफोल्ड फोल्ड होने लग जाए। एंड एज यू कैन सी हमारे मिरर में सब दो वायर्स आ रही हैं, एक वायर जो है वो कंपनी की तरफ से ही है जो ORVM को कंट्रोल करती है, एडजस्ट करती है, एंड एक जो वायर आ रही है वो हमारे फोल्डिंग मिरर्स की है, जो मिरर्स को फोल्ड करेगी, ब्लू वाली वायर फोल्डिंग मिरर्स की है। नाउ आवर कार इज ऑलमोस्ट रेडी, हमने रिले फिट कर दिया है, स्विच फिट कर दिए हैं, एंड ये काम मैंने कराया स्काई कार रमेश नगर से, जो कि बेस्ट काम करते हैं, और मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इनको चूज़ किया था कि अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए। मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको अपनी गाड़ी का काम कराना है तो आप करा सकते हो। प्रॉपर वायरिंग होने के बाद भैया बस लेफ्ट साइड का डोर का भी फिट करें कि इंटरनल वायर लगनी चाहिए। एंड इस काम के साथ साथ मैंने अपने ग्लव बॉक्स में भी लाइट लगा ली है, टाटा की जेन्युइन लाइट रहने वाली है, एंड इसके साथ टाटा का जेन्युइन स्विच आने वाला है कि लाइट को ऑन ऑफ जो करेगा, एंड इसके साथ येलो कलर की लाइट आ रही है तो मैंने उसे चेंज करा के व्हाइट कलर की लाइट करा लिया। इसकी वायरिंग भी इंटरनली होगी, कोई बाहर से नहीं होगी, कोई इसमें वायर कट नहीं होगी। इसकी जो पावर देने वाले हम वो आपका जो फ्यूज बॉक्स होता है उससे पावर आएगी, उसमें डायरेक्ट नॉर्मली वायर जो है जाके टच हो जाएगी एंड इसको पावर मिल जाएगी, एंड ग्लव बॉक्स जब ओपन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, एंड ग्लव बॉक्स जब क्लोज करेंगे तो लाइट क्लोज हो जाएगी।
मतलब बॉक्स में हमने कोई चीज काटी नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी पॉइंट बना होता है लाइट लगाने का, बस उसको हल्का सा पार्ट को निकाल के लाइट लगा दिया फिट एंड प्रॉपर एकदम। एज यू कैन चेक दिस आउट, लाइट प्रॉपरली काम कर रही है, बंद करने पे खुलने पे जल रही है, ऑफ हो रही है। एंड हमारे फाइनली मिरर्स दोनों सेट हो गए हैं, मिरर बस टाइट करने हैं स्क्रू से। एंड सारी वायरिंग कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मिरर्स हमारे सारे काम करने लग गए। एंड यू कैन सी यहाँ पे आप वायर देख रहे हो, वायर कोई कट नहीं हुई, बस इसके अंदर से एक क्लिप निकाल के दूसरी पॉइंट में डाल रहे हैं। दिस आवर कार, आवर मिरर इज वर्किंग नाउ विद प्रॉपर वे में। आप की को क्लोज करें, ओपन करें, हमारे मिरर्स काम करने लग गए हैं। एंड ये भैया ने वारंटी कार्ड दिया मिरर्स की, 6 महीने की वारंटी, अगर कुछ भी होता तो आप भैया को आके दिखा सकते हो। आई होप आपको टाटा पंच सीएनजी में ये वाली मॉडिफिकेशन पहली बार देखने को मिली होगी। मैं इसमें और सारी मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ, अभी इसकी मेन हेडलाइट चेंज करानी है। बाकी स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराने वाले हम, एंड आपको सीएनजी का सारा रिव्यू देने वाला हूँ। अभी गाड़ी फर्स्ट सर्विस पे भी जानी है, उसका भी बताऊंगा क्या टोटल कॉस्ट कंपनी ने ली और क्या क्या चीज चेंज करी। थैंक यू सो मच। सॉरी आई फॉरगेट टू टेल यू द प्राइसेस, मेरे ORVM की कॉस्ट मुझे पड़ी है 6500 रुपीस, क्योंकि मेरा एडवेंचर मॉडल था तो कंपनी ने इसके अंदर ऑलरेडी एक मोटर दी हुई थी जो आपका मिरर्स को अंदर से एडजस्ट करती है। मैंने सिर्फ इसके अंदर फोल्डिंग वाली मोटर डलवाई है। एंड अगर आपका प्योर मॉडल है तो आपको पूरा का पूरा न्यू मिरर लेना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट 9 to 10,000 के बीच में। एंड जो मैंने 6500 रुपीस बताए हैं ये फिटिंग के साथ है। एंड मेरे को ग्लव बॉक्स लाइट के चार्जेस जो पड़े हैं वो मुझे लगे हैं 450 रुपीस, प्लस मैंने इसके अंदर व्हाइट लाइट डलवाई थी तो व्हाइट लाइट के चार्जेस अलग है, वो है 175 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट मेरी आई है 7125 रुपीस। सो अगर आपको मॉडिफिकेशन नीड लगता है तो आप ये करा सकते हैं जाके। एज यू कैन सी गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल वाली लाइट लग गई है।